Hey guys, welcome back. मैं सर मानिक भाई एंड टुडे डायग्राम फिर से मैंने नहीं बनाया है ना. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक रेस्पिरेशन, है ना. अब हम लोगों ने डाइजेशन कर लिया था और डाइजेशन के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, रेस्पिरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. अच्छा, रेस्पिरेशन से पहले बेटा देखो, हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली थी. न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे, है ना. अच्छा, एक पॉइंट जो पिछले लेक्चर में छूट गया था वो ये था कि जब हम लोग बेटा खाना खाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फूड और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड हम लोग क्या खा रहे हैं, इसके बेस पे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसका साइज भी जो है डिफर करता है. फॉर एग्जांपल आप हर्बीवोर्स को देख लो बेटा, तो हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन होती है ना वो बहुत लंबी होती है, लेकिन कार्निवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है. ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हर्बीवोर्स खाना खाते हैं बेटा वो खाते हैं ग्रास और जो कार्निवोर्स खाते हैं वो खाते हैं मीट. तो बेटा हुआ क्या कि जो हर्बीवोर्स हैं जब वो ग्रास खा रहे होते हैं तो बेटा उनको ना ग्रास में एक जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. अब ये सेलुलोज ना बहुत टफ है, डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता और इसी के लिए इनके पास एक एंजाइम होता है सेलुलेज. हाँ जी, तो हर्बीवोर्स के पास सेलुलोज डाइजेशन है, सेलुलोज एंजाइम होता है उनकी गट में, इस वजह से डाइजेस्ट कर पाता है और उनको ये टफ होता है डाइजेस्ट करना. इसलिए उनकी इंटेस्टाइन बिगर है, लार्जर इन साइज है ना, साइज में बिगर मतलब लंबी है, लेंथ में लंबी है. और अगर बात करें कार्निवोर्स की, बिकॉज दे प्रेफर टू ईट मीट, इसलिए मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट और उनकी छोटी हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन छोटी हो जाती है. ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन देख लिया बेटा. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन. देखो, न्यूट्रिशन ले लिया, एनर्जी जो आती है ना वो यार हर एक ऑर्गेनिज्म, हर कोई ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं ना. अब मैं हूं, आप है, जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, बग्गी गाड़ी सब कुछ है. अब गाड़ी तो खैर नॉन लिविंग हो ही है, जो भी कहना चाह रहा हूँ आप समझो ना, प्लांट्स है उस समय. तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ ऐसे कबूतर भी सांस ले रहा हूँ, ऐसे प्लांट्स भी सांस ले रहे हो, ऐसे फिश भी सांस ले रही हो, नहीं है ना. बट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैज अडॉप्टेड डिफरेंट वेज, उन्होंने अपनी अडेप्टेशन कुछ अलग अलग कर रखी है ना. अब चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो भानु हो, मतलब भानु घोड़ा नहीं है ये समझ जाओ ना, वो एक हॉर्स है वो, चाहे फिश हो चाहे पंजाई हो, सबसे पहला स्टेप तो सबका एक ही रहने वाला है. वो क्या है बेटा? वो ये है कि ग्लूकोज को तोड़ना. ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, अब भी हमने तोड़ दिया था ग्लूकोज, तो हमने देखा है ना, स्टार्च को हमने तोड़ा था, हमने ग्लूकोज तोड़ दिया था, अब भी तो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अभी इसको और तोड़ेंगे रेस्पिरेशन. पर उससे पहले ना आपको एक एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी क्या करनी है सर? बेटा एक्टिविटी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि एक ऐसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, लाइम वाटर डालना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल्ड वाइज. अब बेटा क्या करना है, इसमें आपको इसमें भी लाइम वाटर डाल दो, आप इसमें भी लाइम वाटर डाल दो, है ना, इसमें भी लाइम वाटर पड़ा हुआ है और इसमें भी लाइम वाटर पड़ा हुआ है. अब क्या करना, कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक ट्यूब लेना कोई सी जिसमें खुली हो और इसमें फूक करके फूक मारना, ये बुड़ 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 होने लगेंगे, ऐसे करो ना, पानी में करते ना तो बुड़ बुड़ होते हैं, ऐसे बुड़ बुड़ करने लगेंगे. एक इसको देखना, ठीक है, लाइम वाटर के साथ, और दूसरा क्या करना है, पिचकारी लेना और पिचकारी से हवा मारना है इसमें, जैसे पिचकारी मान लो और इस पिचकारी से ऐसे ऐसे इसमें हवा भरना, तो इस पिचकारी से हवा भरना, आप देखना कि ये वाला जो सॉल्यूशन जिसने आपने फू करके अपने आप से अपने उसको, हाँ देखो वाइट हो गया, देखा जादू, देखा ये वाइट हो गया. हाँ, तो ये जो वाइट आएगा ये हम देखेंगे कि जब हम लोगों ने माउथ से हवा दी उसे तो वो जल्दी व्हाइट हो गया, यानी कि इसमें व्हाइट पीपीटी आ गया. क्या आ गया? व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया. तो बेटा हुआ क्या कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं था, जब हमारे पास हमारे मुंह में हम लोग जो हवा छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी ये इसको कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट कर देगी. आपको चैप्टर 1 में मैंने रिएक्शन करा दिया है ना. हाँ जी, तो यही हुआ यहाँ पे, बस सिंपल सी बात तो यही थी कि इसने व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया. सर यहाँ पे क्यों नहीं करा? बेटा देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब आप लोगों ने सांस ली, जब आप लोगों ने सांस ली और सांस छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में नहीं है, एटमोस्फेयर में तो यार N2O2 मेजर है और CO2 तो 0.001% समथिंग है ना. लेकिन ये वाली जो हवा दी थी तुमने एटमोस्फेयर से लेकर दी थी ना, तो इसमें होगा, ऐसा नहीं व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगा, बनेगा पर बहुत टाइम के बाद बनेगा एज कम्पेयर टू दिस. तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी होती है और दूसरी एक्टिविटी में क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं. इसी के जस्ट नीचे जो एक्टिविटी दे रखी है बेटा उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि आप जो है एक टेस्ट ट्यूब लें, इसके ऊपर यार अब इसको टाइटली क्लोज कर दें और इसमें फ्रूट जूस वगैरह या कुछ भी एप्पल का रियल जूस कुछ भी डाल देना यार, है ना. तो ये जूस है,
और इस जूस के साथ इसमें थोड़े से ऐसे फंजाई छोड़ देना है, मान लो फंजाई हो या ईस्ट बोला है आपकी बुक में तो शायद ईस्ट ही छोड़ देना, तो ईस्ट छोड़ देना। और क्या करना कि यहां से एक ट्यूब लेना यार, उस ट्यूब को कैसे करोगे ये देख लेना यार, मैंने पूछा है कैसे करें, और उसको दूसरे एक टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट करना। हाँ जी, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट करना जिसमें क्या है दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है कि लाइम वाटर CaOH होल्ड वाइस। अब देखो बेटा होता क्या है, ये एप्पल जूस है ना एक्चुअल में ये ग्लूकोज का फॉर्म है, ग्लूकोज ही था समय ग्लूकोज था ही, तो ये ग्लूकोज था, ये जो ग्लूकोज था ना इसको ईस्ट ने इसका अटैक किया और जैसे ये ब्रेक डाउन करा तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो गई। क्या हो गई? CO2 रिलीज हो गई, ठीक है, हमें बात तो पता है ग्लूकोज से ब्रेक डाउन CO2 रिलीज होती है। अब नहीं पता था, चलो मान लिया, मैंने कहा नहीं पता होती, तो क्या हुआ कि इससे ना एक गैस गई, ऐसे 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 एक गैस गई, और जब ये गैस जाके यहाँ पे रिएक्ट करी इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, लाइम वाटर के सॉल्यूशन से, तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे फिर से व्हाइट पीपीटी बन गया, ये भी व्हाइट पीपीटी बन गया। इसका मतलब जब आपका डाइजेशन हो रहा है, फिर जब आप देखो ना इस पे ईस्ट एक्ट कर रहा है तो ये CO2 रिलीज कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, तभी पता पड़ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी का बन गया है। तो ये चीज हमारे पास होती है। तो बेटा देखो कुल मिला के बात ये, चाहे आपने जब करी तब चाहे ईस्ट डाला तब, दोनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 बन गया, इक्वेशन वही है, दोनों में कैल्शियम कार्बन बन गया, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है, एक हम है जिसने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही काम किया, एक बेचारा ईस्ट था जिसने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही काम किया। जिसने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम किया वो ह्यूमन बींग है, तो देखो चाहे ह्यूमन बींग करे चाहे फंजाई करे, ईस्ट इज अ फंजाई, दोनों के केस में बेटा पहला प्रोसेस तो सेम रहने वाला है। पहला प्रोसेस क्या रहने वाला है? पहला बेटा प्रोसेस ये रहने वाला है कि जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है यानी कि ग्लूकोज, देखो बेटा ध्यान से देखिए ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी कि देखो ना 6 कार्बन से मेरा मतलब है C6H12O6, तो कार्बन ही कितने हैं 6। तो जो ग्लूकोज है बेटा ये टूटता है पाइरुवेट में, किसमें टूटता है? पाइरुवेट में। पाइरुवेट ये सब में होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, अभी समझा एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, ये पाइरुवेट टूटता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। वैसे अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता तो कोई बड़ी बात है नहीं, C3H4O3 है, अभी कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझना कि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट जाता है पाइरुवेट में, पाइरुवेट टूट गया बेटा, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये जो प्रोसेस होता है ये कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां पे होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, अब पाइरुवेट टूट गया, पाइरुवेट तीन तरीके से हमारे पास और ज्यादा भिन्न भिन्न तरीके से टूटता है, कैसे वो हम लोग देखते हैं। देखो बेटा पाइरुवेट सबसे पहले मान लीजिए आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि भी कार्बन का सोर्स में है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि जो हमारे पास ईस्ट फंजाई वगैरह जो है बेटा, इनमें क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि मैं देखती हूं यहां पे विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2, जिसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा बेटा? एनएरोबिक। एनएरोबिक समझ गए? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इसने विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे पाइरुवेट को तोड़ा, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा, तो बेटा ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ना ये टूटता है इथेनॉल में, ETHANOL, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो बेटा जो इथेनॉल है एक्चुअली ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, है ना, तो दो इसके और एक कार्बन इसका, तो ये 3 कार्बन में टूट गया, बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल गया, यानी कि पाइरुवेट विदाउट ऑक्सीजन ईस्ट में जैसे टूटता है तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे होता है, समझ में आया। अच्छा दूसरा केस क्या आएगा बेटा, दूसरा केस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो ये काम कहाँ पे होगा बेटा? याद रखना ये वाला काम जो होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज तक बायोलॉजी में कुछ चीज पता है नहीं हमें, मतलब मेरे को नहीं पता, बस एक चीज पता है जिंदगी से जो पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो आप किसी आर्ट्स के बच्चे से ही पूछ लेंगे या फिर किसी से ही पूछ लेंगे, सब बता देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बेटा ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहां पे होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाली कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अच्छा बेटा इसमें क्या होता है? बेटा इसमें जो पाइरुवेट का मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये जैसे यहाँ पे इथेनॉल प्लस CO2 और इसमें टूटा था, ये किस किस फॉर्म में टूटता है? तो आप कह देना 3 मॉलिक्यूल CO2 में टूटता है और बाकी एनर्जी दे देता है, वाटर भी दे देगा पर एनर्जी और 3 मॉलिक्यूल CO2। देखो ना पाइरुवेट टूट गया यहाँ पे, CO2 एनर्जी और वाटर में।
अच्छा बेटा, ऐसा तो है नहीं ना हर बार आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। सॉरी, ऐसा क्यों नहीं है? ऑक्सीजन तो इतनी सारी है बेटा, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता ऑक्सीजन बहुत सारी है, लेकिन ऐसा समय जब आप भागते हो थक जाते हो तो आपके पैरों में अचानक लगता है कि यार हाँ यार बहुत तेज दुख रहा है, भागा नहीं जाएगा, एक सिचुएशन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा यहाँ पे क्या आता है, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, इनसफिशियंट अमाउंट है। इनसफिशियंट अमाउंट में क्या होता है कि जब पाइरूवेट है ना बेटा, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, प्लस एनर्जी तो हर चीज में रिलीज होगी, बिल्कुल होगी। तो ये लैक्टिक एसिड जो है बेटा, ये भी 3 कार्बन का है, और ये वाला जो काम होता है इनसफिशियंट अमाउंट में, कहां पे टूटता है? हमारे पास मसल्स, ये चीज होती है हमारे पास पाइरूवेट, मसल में ये काम करता है। जब पाइरूवेट जाके लैक्टिक एसिड टूटता है, काम पे हो रहा है हमारे मसल्स में हो रहा है। तो यही कारण है जब आप भागते हो तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है बेटा, और जब लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्रैम्स, यानी कि मसल्स क्रैम्प, पैर में क्रैम्स वगैरह आ जाता है। आपने सुना होगा ना कि क्रैम्स आ गए, ये हो गए, वो हो गए। हाँ, तो ये क्या होता है कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाती है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण जो ये टूटता है, जो ये टूटता है वो कैसे टूटेगा बेटा? पाइरूवेट मतलब पहले ग्लूकोज चाहिए, पाइरूवेट टूट गया और ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे टूटेगा? तो आप कह देना सर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और ये सब एनर्जी रिलीज होगी, CO2 के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। विदाउट में जाएगा तो इथेनॉल बनेगा और अल्कोहल भी हो सकते हैं, किसी किसी को अल्कोहल भी खाओगे। एक्चुअली इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल, C2H5OH, CO2 एनर्जी, और इनसफिशियंट अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी आएगा, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन सोर्स है 1 पॉइंट। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, ये जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है ये एक्चुअली ATP के सिंथेसिस में काम आती है। किसके काम आती है? ATP के सिंथेसिस। अब सर ATP क्या है बेटा? ऐसे समझिए कि ATP की फुल फॉर्म तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और ADP यानी कि ADP प्लस फॉस्फेट जो आपकी बॉडी के अंदर है, ये मिलके एक ATP बनाते हैं। और ATP एनर्जी करेंसी है, एक इस तरीके समझिए सेल है हमारी बॉडी का यार, सेल। जैसे कि सेल आपकी जो नॉर्मल होता है वो केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से ही बना सकते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग ATP का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और जो कि हम लोग इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं ये काम, इससे ये बनाना इसी एनर्जी से मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ATP है, देखो मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, मैं डांस कर पा रहा हूं, मैं कुछ भी कर दूंगा, मतलब जितना जो आता है मेरे को, मेरे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है मेरी बॉडी के अंदर, मैं हिल रहा हूं, मूवमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है मसल का, तो ये सब ATP तो है, तो ये भी तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हो गया ना। हाँ जी, तो ये ATP हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है और जहां जहां पे जरूरत होती है वहां पे कर देता है। इतनी चीजें समझ में आती हैं? इतनी चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि बेटा कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन ले लेंगे ये डायरेक्ट हवा में रहते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी बात करूं पेड़ पौधों की बात कर लेता हूं। पेड़ पौधों की बात जब मैंने करी तो बेटा बहुत सिंपल सी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? देखो, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके पेड़ पौधे रहते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर, इस बात में कोई शक नहीं है। जब हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है पौधे के पास। मान लो ये मेरा एक पौधा है, आपको पता ही है डायग्राम, हाँ ये पेड़ है। अब होगा क्या कि भाई इसके पास सरफेस में गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस भी काफी ज्यादा होता है, जिससे कि आसानी से कोई भी चीज CO2 या O2 जिसको आना हो आ जाएंगे और चले जाएंगे। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन की मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं, है ना। अब होगा क्या कि O2 और CO2 कब क्या आएगा, O2 या CO2, ये डिपेंड, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, पर डिपेंड करेगा कि काम क्या कर रहा है ना, कुछ भी आ सकता है ना। डायरेक्शन का कैसे बताओगे? तो आप ऐसे समझ लो, रात के टाइम पर जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो प्लांट CO2 देता है, CO2 बाहर देता है ना। इसे तो कहते हैं कि रात में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए। अच्छा, लेकिन दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्लांट ऑक्सीजन ले लेता है, सॉरी ऑक्सीजन देता है, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लांट ऑक्सीजन देता है। दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट ऑक्सीजन देता है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है CO2 इवॉल्व करता है। तो इस तरीके से हमारे पास प्लांट खत्म हो जाता है। लेकिन अब हम क्या करें, ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? तो ह्यूमन बींग्स का जो प्रोसेस है बेटा, वो हम लोग अभी अगले वीडियो में कराते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आए, यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द लेक्चर वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।